दोस्तों अग्निपथ भर्ती योजना की अपडेट आ गई है। अगर आपकी उम्र अभी 17.5 से 23 साल की है तो आप भी जाना चाहते होंगे अग्नि भर्ती परीक्षा में, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी जॉब लोकेशन क्या रहेगी, भर्ती प्रक्रिया क्या रहेगी और किस पद के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इन सब के बारे में समझने वाले हैं। पोस्ट का नाम है अग्निवीर। परीक्षा कराने वाली संस्था है इंडियन आर्मी। इसमें कुल पद 25,000 प्लस हैं। जॉब लोकेशन इसमें ऑल इंडिया रहेगी, इंडिया में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। मोड ऑफ अप्लाई, इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, इसमें केवल ऑनलाइन आवेदन ही होगा और इसके ऑनलाइन आवेदन 14 जून 2022 से स्टार्ट हो गए हैं। अब इसमें भर्ती प्रक्रिया क्या रहेगी, तो इंडियन आर्मी अग्निवीर GD टेक्निकल स्टोरकीपर ट्रेडमैन क्लर्क सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद जो भी तारीख मिले उस तारीख को आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जैसे रनिंग, पुशअप आदि। इसमें रनिंग टाइम जो आपका आर्मी के लिए होता है वही इसमें रहेगा, लेकिन अलग अलग ट्रेड्स के लिए अलग अलग टाइमिंग और मीटर रहेंगे। उसके बाद ये क्लियर होने के बाद आपकी रिटर्न एग्ज़ाम होगी ट्रेड टेस्ट पोस्ट के अनुसार, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और लास्ट में मेडिकल जांच होगी आपके शरीर की। अगर ये सब क्लियर हो जाता है तो आपका अग्निपथ योजना में सिलेक्शन हो जाएगा। इंडियन आर्मी अग्निवीर फिजिकल स्टैंडर्ड 2022। फिजिकल टेस्ट में आपकी हाइट और चेस्ट कितना होना चाहिए। अग्निवीर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, मतलब फुलने पर 5 सेंटीमीटर और प्लस होना चाहिए। और दूसरा है अग्निवीर क्लर्क टेक्निकल स्टोर कीपर के लिए हाइट होना चाहिए 162 सेंटीमीटर और चेस्ट होना चाहिए 77 सेंटीमीटर प्लस 5 एक्सपेंशन। और तीसरा है ट्रेड्समैन। ट्रेड्समैन के लिए आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। अब जान लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। GD और ट्रेड्समैन वालों के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान से आपको 15 प्रश्न 30 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान से आपको 15 प्रश्न 30 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद है मैथ्स, गणित से आपको 15 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 नंबर के। उसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग के 5 प्रश्न 10 नंबर के पूछे जाएंगे। टोटल मिलाकर आपको 50 प्रश्न 100 नंबर के पूछे जाएंगे।